तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग, दुर्गा पूजा ब्लॉग के बाद मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला था क्योंकि आपका भाई थोड़ा बिजी था, तो इसी चक्कर में वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। एंड दुर्गा पूजा तो ख़त्म हो चुका है, तो आज मैं बेसिकली आपको एक बाइक के बारे में बताने वाला हूँ, जिस बाइक को आप बोल सकते हो BMW GS3 का एक और वर्जन। मतलब बेसिकली आपको पता होगा क्योंकि TVS एंड BMW अपना जो बाइक्स निकालता है 300 या 310 सीसी का, जो GT10R हो गया, एन अपाची RR310 हो गया, ये सब बाइक्स मतलब अपना दो ब्रांड मिलाकर बनाते हैं। तो बेसिकली पहले था भाई लोग BMW, मतलब TVS का जो TVS अपाची RR310 का था उसका ही सेम वर्जन BMW निकाला, BMW G310R। इंजन आपको BMW में भी TVS का ही इंजन मिलता है, तो वो मतलब BMW का जो बाइक्स है वो TVS के मतलब फैक्ट्री में ही बनता है। तो वैसे वैसे ही BMW का GS310 जो है, वैसे ही आपको मतलब थोड़ा थोड़ा लुक सेम आपको TVS में देखने वाला है। TVS RTX 310 जो BMW GS310 की तरह होगा, एंड पावर फिगर्स भी आपको सेम मिलने वाला है, इंजन भी सेम मिलने वाला है, प्राइस फिगर में थोड़ा डिफरेंस होने वाला। तो आज बेसिकली मैं उसी बाइक के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो करना लाइक, मतलब सब्सक्राइब यार पर डे अभी 4-5 सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। थैंक यू भाई लोग, आप लोगों को दिल से शुक्रिया कि आपके भाई को सपोर्ट कर रहे हो। ऐसा वीडियो को थोड़ा शेयर कर दे मत कर देना आप लोग, तो वॉच टाइम भी बढ़ जाएगा, मतलब 2000 वॉच टाइम और चाहिए तो 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, एंड उसके बाद आपका भाई का चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा, तो थोड़ा सपोर्ट कर देना। तो फटाफट से आज की वीडियो करते हैं, स्टार्ट करते हैं एंड आपको बताना है TVS RTX 310 में आपको मिलने वाला है पावर फिगर एंड प्राइस, एंड कब तक ये बाइक आपको TVS शोरूम में मिलेगा। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट एंड वीडियो के अंदर जरूर देना, तो लेट्स स्टार्ट। तो फाइनल भाई लोग, मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे बाइक के बारे में जिस बाइक को आपको देख कर लगेगा कि ये है BMW का GS310। बट भाई लोग, आपको शायद से मालूम होगा कि BMW एंड TVS अपना बाइक्स को एक ही इंजन बनाता है जो TVS का इंजन है। तो जैसे G310R हो गया का इंजन आपको सेम अपाची RR310 में मिलेगा, वही सेम BMW G310R में मिलेगा, मतलब सभी इंजन एक है, सिर्फ बाइक का नाम अलग है, कलर अलग है, बाकी सब आपको सेम मिलेगा। वैसे ही जब को BMW का GS310 मिलता है उसी का ही एक वर्जन TVS अभी निकालने वाला है, जिस बाइक का नाम होने वाला है भाई लोग TVS अपाची RTX 310। बेसिकली इस बाइक का नाम कुछ और हो सकता है, वैसे मतलब और हो सकता है, लुक थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, मतलब ये जस्ट अभी कॉन्सेप्ट है, मतलब फाइनल आउट हो गया है कि निकालेगा, लेकिन RTX का नाम ऐड क्यों किया TVS ने, क्योंकि ऐसा कुछ नाम होने वाला है। बेसिकली ये बाइक BMW G310 GS का एक भाई, मतलब बता सकते हैं इस बाइक को। बेसिकली TVS अपाची RTX में 313 सीसी का सिंगल सिलेंडर वाटर कूल इंजन मिलता है, जो को पावर प्रोड्यूस फोर स्ट्रोक इंजन मिलता है, जो को पावर प्रोड्यूस करता है 34 BHP की पावर एंड 28 Nm टॉर्क एंड 6-speed गियरबॉक्स के साथ ये बाइक आता है। बेसिकली भाई लोग, ये बाइक आपको टॉप स्पीड देने वाला है, वो है मैक्सिमम 140 से 144 तक टॉप स्पीड आपको इस बाइक में देखने को मिल सकता है, एंड 30 तक आपको माइलेज ये बाइक दे देगा आराम से, एंड डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक आपको मिलेगा। फॉर्म में मिलेगा आपको USD सस्पेंशन एंड रियर में मोनोशॉक का सस्पेंशन मिलेगा। इस बाइक का जो सीट हाइट है वो है 835 mm इस बाइक का सीट हाइट है। बाकी भाई लोग, इस बाइक का अभी और कुछ तो अभी लॉन्च मतलब अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। बेसिकली इस बाइक में आपको 3 कलर अभी फाइनल आउट हुआ है मिल सकते हैं, एक है ब्लैक, एक है वाइट के साथ ब्लैक फिनिश, एंड एक है ब्लैक के साथ वाइट फिनिश, मतलब सॉरी ब्लैक के साथ रेड फिनिश। ये अभी 3 कलर अभी फाइनल आउट हुआ है, एंड आपको कौन सा कलर पसंद आ रहा है बताना कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस बाइक के बारे में, एंड क्या ये बाइक जब लोग क्या आप इस बाइक को ख़रीदना पसंद करोगे या नहीं बताना। एंड इस बाइक का जो प्राइस रेंज होने वाला है भाई लोग, अराउंड 3 लाख से 3.5 लाख तक इस बाइक का प्राइस होने वाला है मैक्सिमम, थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है। मैंने बताया कि ये जस्ट अभी कॉन्सेप्ट बाइक है, मतलब निकलेगा तो ज़रूर लॉन्च तो करेगा ज़रूर TVS, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं इस बाइक में, तो बस ऐसा ही।
बाकी TVS RTX बेसिकली ऑफ रोडर बाइक है, तो आपको इंजन तो आपको सेम मिलेगा जो आपको इंजन मतलब अपाची R8 में मिलता है, GS3 में मिलता है, G3 R में मिलता है, अपाची RTX3 में मिलता है, सेम इंजन आपको मिलेगा, बस ऑफ रोडर बाइक है। बाकी आपको लुक्स के मामले में एलुल वगैरह सब कुछ आपको सेम मिलेगा, जो फ्रेम है वो भी सेम मिलेगा, जो एग्जॉस्ट है वो भी सेम मिलेगा, लुक्स BMW G310 GS की तरह होगा। एंड मीटर स्पीडोमीटर आपको डिजिटल मिलेगा, फुल्ली डिजिटल कलरफुल स्पीडोमीटर मिलने वाला है। एंड 13 लीटर का आपको फ्यूल टैंक भी मिलेगा। एंड माइलेज तो मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम 30 तक माइलेज ये बाइक आपको आराम से देने वाला है। बाकी और कुछ तो नहीं है इस बाइक के बारे में, तो जब ये बाइक लॉन्च होगा तब आपको मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा भालो, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ चैनल को भालो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो कर दो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कमेंट दे दो, गुलाबी दिल एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कर दो, कुछ आने वाले हर एक वीडियोस आपको आपके पास पहले पहुंच जाए, तो ठीक है बस और कुछ। तो भाई लोग आपको ये TVS RTX 310 कैसा लगा बताना कमेंट में ज़रूर। एंड कैसा ही लगा होगा, मतलब BMW GS 310 के तरह ही है, मतलब एक तरफ से बोल सकते हो कि जो लोग BMW का ब्रांड का बाइक सिर्फ एक रीज़न के लिए नहीं खरीदते कि उनके शहर में शोरूम नहीं है एंड सर्विस में दिक्कत होगा, क्योंकि BMW का शोरूम तो हर एक शहर में नहीं होगा, तो वो लोग TVS का ये बाइक बाइक कर सकते हैं। मतलब सब कुछ आपको तो सेम मिलता है, सिर्फ मतलब ब्रांड अलग है, सर्विस अलग है, बाकी सब कुछ आपको सेम मिलेगा, इंजन पावर वगैरह सब कुछ आपको सेम मिलेगा। एंड ये बाइक अभी जस्ट प्रोडक्शन में है, मतलब जब ये लॉन्च कर गया हो सकता है आपको थोड़ा मोटा मतलब थोड़ा कुछ चीज़ें अलग भी हो सकता है, तो इस वीडियो को देखकर अब ये मत सोच लेना कि मैं बाइक को लॉन्च होने से पहले ही बता दे रहा हूँ, ऐसा होगा तो अगर भाई को पता चलता तो आपका भाई कहाँ पर होता, तो कुछ चीज़ अलग होगा जब लॉन्च होगा। तो फटाफट साचे वीडियो करते हैं भाई लोग, स्ट्रेस ड्राइव से बैंड वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट में गुलाबी दिल देना, चैनल को भाई लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करना, फटाफट सारे वीडियो को देखें स्ट्रेस ड्राइव से। एंड बाय बाय एंड सभी को हैप्पी दिवाली।